हो, काम जो भी हो, लेकिन मेहनत और लगन ज़रूर होनी चाहिए। ये एक्चुअल में मेरा फैमिली पैसा था, मैं पढ़ाई भी साथ में किया, साथ में मैं सोचा इसमें अपना पुशअप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपना चालू कर दिया काम। तो एक अच्छा खासा इससे भी आप मुनाफा कमा, हाँ इनकम, हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवा किसान से मिलाने वाला हूँ, साथ में ये ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आज छत्तीसगढ़ में हूँ और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फार्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो माल है वो सप्लाई होता है। सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि ये युवा होने के साथ साथ इस बकरा पालन को या बकरी फार्म को जो हम कहते हैं इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि आप उस लेवल पे सोचने भी नहीं सकते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात की है कि देसी बकरी को अपनाया है और देसी को ही अपना एक ब्रांड बनाया है और इसे आगे तक लेकर जा रहे हैं। आज है हम हरना दादर गोट फार्म पर, जो कि बागबहार में है और रायपुर से महज 85 किलोमीटर दूरी पर है। और रायपुर और उड़ीसा जो बॉर्डर है यहाँ पर ये पड़ता है। तो यहाँ पर जो तीनों ब्रीड की जो बकरियाँ हैं वो पाई जाती हैं और जो इन्हें खास बनाती हैं, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ की लोकल ब्रीड है अंजोरी, उड़ीसा की जो ब्रीड है गंजम, और जो ब्लैक बंगाल जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर पाली जाती है। तो ये तीनों नस्ल की बकरियां इनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और इनके फार्म के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और ये किस तरीके से कर रहे हैं, नया युवा किस तरीके से इसमें काम कर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फार्म की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम जावेद कुरैशी है और हमारा फार्म का लोकेशन है बागबहरा, ज़िला महासमुंद और छत्तीसगढ़। ये रायपुर हमारी राजधानी से 85 किलोमीटर है और यहाँ पे मतलब रेलवे का भी सुविधा है और रायपुर से आप थोड़ा सा वाया आप बस भी आ सकते हैं, बस बाई बस भी आ सकते हैं। जी जी। तो जावेद भाई, कितने साल हो गए आपको इसमें बकरी पालन में आए हुए और बकरा फार्म का काम करते हुए? आपको लगभग 3 साल। लगभग 3 साल। जी। और इससे पहले आप क्या करते थे, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। एक्चुअल मैं BSc बायो में ग्रेजुएट हूँ और साथ में बकरी पालन भी मतलब शौक थोड़ा सा लगा और हमारा पेशा भी रहा हमारे फैमिली वाले का। अच्छा। तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट बढ़ा इसमें। वही मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं इस पीढ़ी पे इस काम को अपना रहे हैं और एक सफल व्यवसाय के रूप में इसे समझते हैं कि यार बकरी पालन में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, या एक इसे सफल व्यवसाय के रूप में देखते हैं। तो आपने क्या चीज़ देखी और फिर इसे आपने अपनाया? ये एक्चुअल में फैमिली, जब से लॉकडाउन हुआ फिर मेरा पढ़ाई भी थोड़ी सी सबकी इधर उधर डिस्टर्बेंस हुए, तो मैं एक्चुअल में इधर भी थोड़ा सा मैं पुशअप किया, इधर मार्केटिंग इधर देखा मैं, तो मेरा भी मन लगने लगा इधर। तो तब से मैं इधर मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई करने का इसमें आपने पूरा इम्प्लीमेंट किया कि यार इसको भी अगर हम व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा अर्न किया जा सकता है। तो अभी कौन कौन सी ब्रीड पर काम कर रहे हैं आप? हमारे पास सबसे ज़्यादा देसी ब्लैक बंगाल पे काम करते हैं अपना काम, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो हैं सारे देसी ब्लैक बंगाली, मतलब यहाँ जितने कस्टमर हैं सारे देसी ब्लैक बंगाली मांग करते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए देसी ब्लैक बंगाली अब उपलब्ध है हमारे पास। जैसे मुझे देखने मिल रहा है दर्शकों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया, ये जो रीज़न है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर का है। तो हम जो छत्तीसगढ़ की लोकल ब्रीड है अंजोरी वो तो आपको देखने मिलेगी ही, और जो उड़ीसा की जो लोकल ब्रीड है जो गंजम है ना, इन्होंने देसी बकरी का ही पालन किया है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि यार किस नस्ल के साथ जाना चाहिए, किस में कितना फ़ायदा है। मैं भी अक्सर इससे संबंधित खूब सारे वीडियोज़ जो हैं वो लगातार बनाते रहता हूँ। आपने देसी का ही चयन क्यों किया, ये थोड़ा सा बताइए और इनके फ़ायदे के बारे में बताइए। देसी एक्चुअल में बाकी नस्ल जो है हमारे एरिया में जैसे मौसम के हिसाब से टिकते नहीं, तो इस मौसम अनुकूलन के कारण और देसी सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देने वाली और मीट इसका सबसे बेस्ट रहता है। बाकी नस्लों के अपेक्षा में सबसे ज़्यादा इसकी मीट पर्पस में सबसे अच्छा रहता है और दूध के मामले में थोड़ा सा कम रहता है, बट प्रॉफिट देती है और बीमार भी कम होती है। बीमार कम होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है, ब्लैक बंगाल जो बकरी है और जो इस इलाके में जो पाई जाती है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे टेस्टी मीट जो होता है वो ब्लैक बंगाल बकरी का होता है। लेदर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो ब्लैक बंगाल बकरी है ये लेदर क्वालिटी में भी सबसे आगे है। सबसे बेहतर क्वालिटी का लेदर इस बकरी के जो स्किन है इसमें होता है। तो ये जो फ़ायदे हैं ये मिलते हैं। सबसे अच्छी बात सर की मुझे ये लगी कि सर ने लोकल का जो मार्केट है उसके ऊपर रिसर्च किया और जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर काम किया। तो सर जैसे मैं बात करता हूँ कि क्या वेट रेशियो आपके यहाँ पर एक एडल्ट जानवर का होता है, ये थोड़ा सा समझाइए कि एक एडल्ट जानवर है 8 से 10 महीने का है तो कितना वज़न पकड़ लेता है देसी में, ये थोड़ा सा समझाइए। ये लगभग हमारे पास एडल्ट जानवर जो है कम से कम छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे पास बकरों में बकरियों में, सारे मतलब 12 किलो से 10 किलो से 8 किलो से सीधा 35-40 किलो तक जाता है लास्ट वेट। हाँ, तो आप पालन के साथ साथ ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। जी जी जी। तो किस किस नस्ल पर ट्रेड करते हैं ये थोड़ा सा बताइए। देसी सबसे ज़्यादा, फिर सिरोही गुजरी ये सब बॉर्डर पे हम अपन लोग उपलब्ध कराते हैं। तो मतलब अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे और सिरोही गुजरी का भी डिमांड करता है तो वो भी मिल जाएगा। जी जी। जैसा कि मैंने बताया भी कि ये छत्तीसगढ़ का रायपुर का सबसे बड़ा बकरा फार्म है। तो सर स्टॉक में या अभी कितने जानवर आपके पास लगभग रहते हैं? जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं लोकल छत्तीसगढ़ से ही देख रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें और क्या रेट रहता है इसके बारे में थोड़ा। जी जी, हमारे पास स्टॉक हमेशा फुल ही रहता है, 200-250 इस टाइप का स्टॉक रखते हैं अपन। और रेट अपना जैसे बकरे का रहता है 320 रुपये किलो केजी में और बकरियों का रहता है 240 रुपये केजी। और जैसे बरई होते हैं जो पेठी बोलते हैं जो कुंवारी रहती है, हाँ, उनका 300 रुपये केजी में देते हैं अपन, मतलब जिसको पार्ट बोलते हैं। जी जी जी। जो अभी क्रॉस नहीं हुई है तो उसका ये रेट रहता है। जी। तो जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या ऑर्डर क्वांटिटी आप रखना चाहेंगे कि यार कितना मिनिमम आपसे वो ऑर्डर कर सकते हैं, किस हिसाब से आप काम करते हैं, ये थोड़ा सा समझाइए। जितना मतलब अपने को फ़ोन कॉल के द्वारा अगर करेंगे अपने को जितने ऑर्डर देंगे हम उनको कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक रहा तो। अच्छा। अवेलेबल जितना स्टॉक रहा हम लोग देने की कोशिश करते हैं कस्टमर। ऑर्डर क्वांटिटी फिर भी मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें माल लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े जो बकरे जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। दर्शकों आपको मेरे पीछे हलचल दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और समय बिल्कुल दोपहर का हो गया है। तो आप देख रहे हैं इनको हमने रोक के रखा हुआ था वीडियो शूट के लिए, इस वजह से क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो चरने के लिए बाहर इस टाइम पर जाते हैं। जैसे कुछ बकरियां आपने दिखाई है, कुछ माल अपना दिखाइए, देसी में आखिर ऐसा होता क्या है वो भी हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी जी, हमारे पास अवेलेबल है अभी ये गंजाम स्टाइल में। जी जी। तंदुरुस्त एकदम स्वस्थ ये बकरी आपको 240 रुपये केजी में मिल जाएगी। ये गंजम है ना? जी जी, गंजम उड़ीसा की जो पहचान है। जी जी। देसी बकरी है। जी। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं जैसे ब्लैक बंगाल है तो ब्लैक बंगाल काले कलर में होती है। काले। तो जैसे अभी आपके पास किस किस कलर में, अक्सर कलर में भी डिमांड? जी जी, कलर में भी डिमांड आता है हमारे पास, अक्सर अधिकतर आता है। और खैरा, काला, सफ़ेद ये हम हर स्टॉक रखते हैं यहाँ पे। जैसे ये यहाँ इस तरफ दिखा रहे हैं, इस तरफ थोड़ा सा बताइए कौन कौन सा। ये जैसा सफ़ेद है। हाँ हाँ। सफ़ेद में भी मांग आता है। हाँ, ये खैरा दूध खैरा में आता है। अच्छा। और ये जैसे ये बकरियां हैं। हाँ, लाल है, काला है। हाँ, खैरा इस टाइप का हमारे पास डिमांड आता है। तो दोनों उद्देश्य से आता होगा ना आपके पास, पालन के लिए भी आता होगा। जी जी, कटिंग के लिए भी आता होगा। कटिंग माल भी अवेलेबल कर देते हैं अपन हमारे पास। ब्लैक बंगाल। जी जी, ब्लैक बंगाल में कटिंग माल भी और बकरे भी कटिंग माल में बड़े बड़े। हाँ हाँ, हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो भाई जैसे अभी कुर्बानी का सीजन आने वाला है तो कुर्बानी के लिए भी काम कर रहे हैं क्या आप? जी जी, थोड़ा सा मुझे बताइए। कुर्बानी के लिए भी अपन स्टॉक मतलब हमारे पास फुल ही रहता है, उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते, कांटेक्ट कर सकते। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी अपने पास माल अवेलेबल है। जी जी। जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उनका क्या क्या रेट आपने रखा हुआ है ये थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे पास बकरों का रेट है 320 रुपये केजी। जी। और बकरियों का रेट है 240 रुपये केजी। और पाट। हाँ, बरई उसका रेट है 300 रुपये केजी। और जो खस्सी जिसको उड़ीसा में मिलचा भी बोलते हैं, हाँ। उसका रेट है 360 रुपये के जी हमारे पास। मतलब आपके पास हर एक क्वालिटी वाला, हम कह सकते हैं हर एक एज रेशियो वाला, जी जी, हर एक वेट रेशियो वाला आपके पास। जावेद भाई, लास्ट में यही जानना चाहूँगा, क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को हमारे तरफ से या आपकी तरफ से? बताएं कि अगर इसमें भी काम वो करना चाहें तो किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं और बढ़िया काम कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, देखो काम जो भी हो, लेकिन मेहनत और लगन ज़रूर होनी चाहिए। ये एक्चुअल में मेरा फैमिली पैसा था, मैं पढ़ाई भी साथ में किया, साथ में मैं सोचा इसमें अपना पुशअप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपना चालू कर दिया काम, तो एक अच्छा खासा इससे भी आप मुनाफा कमा, हाँ, इनकम, हाँ। तो मतलब आप पालन का काम कर ही रहे हैं, साथ में ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं, और दर्शकों जैसे मैंने बताया आपको कि ये अपनी पढ़ाई का इम्प्लीमेंट इसमें कर रहे हैं, बराबर ये मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, नए नए कस्टमरों को जोड़ रहे हैं ताकि इसको एक और बड़े पैमाने पर लेकर जा सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो था आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आप भी देसी पर काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, वो आप बिल्कुल जावेद भाई से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर दे रखा है। और अगर आप इस तरीके की जो देसी नस्ल की जो बकरियां हैं इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राय सर से आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।